गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल NKM47 ब्लॉग में और मैं हूं NM टाइगर मौर्य और दिखा रहा हूं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ी हुई वर्क अपडेट। और आज हमें अभी आगरा कैनल रोड पे और आगरा कैनल रोड पे दोस्तों हम खड़े हैं एकदम सेंटर में। आप अगर ऐसे देखेंगे पीछे की साइड तो पीछे की साइड से ये रोड आता है हमारा कैलंदी कुंज की साइड से, और ऐसे ही आप सामने देखेंगे सामने दोस्तों तो सामने हमारा रोड जाता है फरीदाबाद पल्ला की साइड। मैं आपको सामने बैक का कैमरा चालू करके दिखा देता हूँ, जो रोड है हमारा जाता है पल्ला की साइड और ऐसे ही आप देखेंगे इस साइड तो ये हमारा जाता है कैलंदी कुंज की साइड। और यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट में बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इसका काम कितना हो चुका है आपने जितना भी देखा था अभी तक पिछली वीडियो में उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे काम नज़र आने वाला है। मैं आपको ले चलता हूँ इसके एकदम सेंटर में जहाँ पर ये भी बीच में ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है उसके पास और आपको दिखाता हूँ कि कितना काम यहाँ पर हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो पिछली वीडियो में आपको ये जो सामने पीली मिट्टी नजर आ रही है पीली मिट्टी नहीं नजर आ रही होगी, उस टाइम पे जो यहाँ पर बाहर से मलवा लाकर डाला गया था और उसकी लेवलिंग की जा रही थी और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर पीली मिट्टी की एक परत पड़ेगी और पीली मिट्टी की परत पड़ने के बाद उसकी लेवलिंग होगी, लेवलिंग होने के बाद रोलिंग होगी। तो रोलिंग भी यहाँ पर हो चुकी है दोस्तों, लेवलिंग भी हो चुकी है, हालांकि अभी यहाँ पर काफी काम बाकी है। ऐसे ही जो मैंने आपको यहाँ पर लेफ्ट में बताया था, लेफ्ट में आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो बताया था कि इसके किनारे किनारे पूरी झाड़ियाँ थी, झाड़ियों को साफ करने का काम उस टाइम पे चल रहा था तो वो यहाँ से झाड़ियाँ साफ हो चुकी हैं और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाकर डाल दी गई है। इसका जो आप देख सकते हैं इस साइड में जो गड्ढा था वो गड्ढा भी भर दिया गया है। और ऐसे ही इस साइड में दोस्तों ड्रेनेज नाल का जो काम था हमारा वो चालू हो चुका है। जो ड्रेनेज लाइन का काम चालू है दोस्तों वो मदनपुर खादर की साइड से बनता हुआ आ रहा है और ये जा रहा है हमारा जैतपुर की साइड, और जैतपुर में जाके दोस्तों ये भी काम रुक जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा सर्विस रोड का जो एक ब्रिज बनाना था, जो वहाँ की जो नाला आता है हमारा अली गाँव की साइड से उसका जो नाला बनाना था उसका ब्रिज का काम काफ़ी तेज़ी में चल रहा है वहाँ पर, वो भी जैसे ही पूरा हो जाएगा तो ये ड्रेनेज लाइन जो है हमारी उसको भी पार कर जाएगी। ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो आप आगे देखेंगे कि इसका जितना भी इसके रोड के किनारे का गड्ढा था वो काफ़ी ज़्यादा गहरा था, उसकी हाइट आज आपको काफ़ी कम नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा लेवलिंग का काम जो होना था वो हो चुका है, यहाँ पर बाहर से मिट्टी लाकर डाली जा रही है और उसके बाद जो दोस्तों उस मिट्टी के ऊपर जो ये पीली कलर की परत चढ़ रही है जो ये भी पीली मिट्टी यहाँ पर ला कर डाली जा रही है जिससे कि ये जो हमारा मलवा है इसकी पकड़ बन जाए। तो अभी हम आ चुके हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर आपको ये मिट्टी जो है पीली कलर की पट्टी जो पड़ रही है उसकी परत आपको करीब करीब भी 3 फुट नज़र आ रही होगी। तो मतलब ये जो मलवा है हमारा बाहर से लाकर डाला जा रहा है ये मलवा, इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर 3 फुट की करीब पीली मिट्टी की जो लेयर है वो चढ़ाई जा रही है, उसके बाद उसके ऊपर लेवलिंग का काम हो रहा है और उसके बाद उसको रोलिंग की जा रही है। रोलिंग होने के बाद दोस्तों इसकी जो पकड़ है रोड की वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो है हमारा लाल पत्थर पड़ेगा, लाल पत्थर पड़ने के बाद उसके ऊपर फिर छोटा लाल पत्थर पड़ेगा और उसके बाद उसकी सफाई होने के बाद उसके ऊपर जो है हमारा ब्लैक टॉप का काम शुरू होगा। और ड्रेनेज लाइन तो आप देख ही सकते हैं कि इधर बनी रही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हर फील्ड से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।